देखिए अभी अभी क्या हुआ है कि जो भारत में सरकारी नौकरियों का जो शिखर होता है, सबसे जो महत्वपूर्ण नौकरी होती है वो यूपीएससी की सिविल सर्विस की परीक्षा होती है। इसके जरिए भारत में ब्यूरोक्रेसी का चयन होता है और वो जो ब्यूरोक्रेट हैं वो बहुत शुरुआती दौर से ही बहुत ऊपर के पोजीशंस पे होते हैं और धीरे धीरे वो पूरे देश को चलाने वाली जो नौकरशाही है, ब्यूरोक्रेसी है, उसका निर्माण इसी परीक्षा से होता है। और इस परीक्षा का जो संचालन है वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन करती है। हर साल इसमें बड़ी संख्या में ऑफिसर्स नियुक्त किए जाते हैं जो दूसरी नियुक्ति होते होते कलेक्टर बन जाते हैं, फिर आप देखेंगे वो कमिश्नर बन जाते हैं, एसपी, डीएसपी, अलग अलग स्ट्रीम में वो अलग अलग पोजिशंस पे चलते हैं। तो एक तरह से इस देश को दो जो बड़े इंस्टीट्यूशंस चला रहे हैं उसमें एक इंस्टीट्यूशन जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, और दूसरी जो बड़ी इंस्टीट्यूशन है वो ब्यूरोक्रेसी है जो इस देश को चलाती है। इसका ताजा रिजल्ट आया है अभी अभी, मैं आपको स्क्रीन दिखा रहा हूँ। शायद आप कोई अगर ने अगर ये स्क्रीन खोल रखी है, अगर आप फाइनल रिजल्ट ऑफ सिविल सर्विस एग्जाम 2019 डालेंगे तो आपको ये रिजल्ट दिखेगा। पीआईबी की वेबसाइट पर है ये सारा रिजल्ट आपके पास है। और मैं आपसे बल्कि रिक्वेस्ट करूंगा कि आप यूपीएससी फाइनल रिजल्ट पीआईबी करके आप इसको इस विंडो को खोल लीजिए ताकि आपको अंदाजा लगे कि ये क्या किस किस बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो अगर आपने ये विंडो खोल लिया है तो अब मैं इस आपको सर्च सिर्फ ये करना है कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2019 रिजल्ट, इसको सर्च करेंगे तो आप पीआईबी की वेबसाइट पे जाएंगे जो भारत सरकार का रिजल्ट वहीं पर आता है। ये परीक्षाएं 2019 में हुई थी और अगर आप इसमें देखेंगे तो टोटल जो वैकेंसीज थी वो 927, 927 वैकेंसीज थी। इसमें आईएएस 180, इंडियन फॉरेन सर्विस 24, इंडियन पुलिस सर्विस मतलब आईपीएस 150, सेंट्रल सर्विस ग्रुप ए के 438 पोस्ट और ग्रुप बी के 135 पोस्ट, मतलब कुल मिलाकर 987 पोस्ट के लिए ये परीक्षा हुई थी। मतलब 927 ऑफिसर्स इस परीक्षा के जरिए चुने जाने थे। फिर से मैं बता रहा हूँ, आईएएस इसमें 180, इंडियन फॉरेन सर्विस 24, इंडियन पुलिस सर्विस 150, सेंट्रल सर्विस ग्रुप ए 438 और ग्रुप बी सर्विस 135, इतने ऑफिसर्स का इसमें टोटल सिलेक्शन होना था। अब इसमें से आपको मैं फिर से ये दिखाता हूँ, इसमें अगर आप देखेंगे, शायद आप देख पाएंगे इसमें, तो आप पाएंगे कि टोटल 397 पोस्ट जो हैं वो जनरल कैटेगरी के लिए हैं, मतलब ओपन पोस्ट हैं। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो इस बार से शुरू हुआ है 83 पोस्ट, ओबीसी के 251 पोस्ट, शेड्यूल्ड कास्ट के 129 पोस्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के 67 पोस्ट, ये टोटल इतनी नियुक्तियां इस साल होनी है। तो इतनी नियुक्तियां अगर होनी है तो इसके हिसाब से आप कह सकते हैं कि इतने का रिजल्ट आया होगा, 927 लोगों का रिजल्ट आया होगा। अब मैं आपको इनके इनका रिजल्ट दिखाता हूँ। टोटल जो रिजल्ट है वो आप खोल कर देखिए, फाइनल रिजल्ट जो है, तो इसमें सबसे पहले नंबर पर जो टॉप पोजीशन है इस सिविल सर्विस में इस साल जो पास किया है वो प्रदीप सिंह है, फिर जतिन किशोर हैं, फिर प्रतिभा वर्मा हैं, फिर हिमांशु जैन हैं, फिर जयदेव सीएस हैं, फिर विशाखा यादव हैं। और इस तरह से करते करते अगर आप उसके रिजल्ट के छठे पेज पे जाएंगे तो आपको दिखेगा कि कुल मिलाकर 829 ऑफिसर्स का चयन हुआ है। सुनील कुमार लास्ट आखिरी कैंडिडेट जो हैं वो सुनील कुमार हैं, ये आप फिर से देख सकते हैं, मैंने आपके सामने ये विंडो फिर खोल रखा है। 829 टोटल और इसके बाद कंक्लूडेड लिखा हुआ है, इसका मतलब कि 829 अफसर्स की लिस्ट यूपीएससी ने जारी की है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन न्यू दिल्ली 69, 4 अगस्त 2020, ये रिजल्ट आपका जारी हुआ है। अब आप कहेंगे कि अगर टोटल 927 अफसरों का सिलेक्शन होना है, विज्ञापन अगर 927 ऑफिसर्स का जारी किया गया है, तो ऐसी हालत में 927 ऑफिसर्स का टोटल सिलेक्शन होना है और आपका रिजल्ट आ रहा है 829 लोगों का, ये क्या है? मतलब अगर पता नहीं, शायद इसको आप रिवर्स में देख रहे होंगे, लेकिन जो भी, मतलब ये कुल मिलाकर आपको बहुत सारे ऑफिसर्स का गैप मिल रहा है कि 927 अफसरों की नियुक्ति होनी है और 829 का रिजल्ट देना है।
ये आप अगर रिजल्ट देखेंगे, आप लोगों से मैंने रिक्वेस्ट किया था कि आप सरकारी साइट पर जाकर रिजल्ट खोल कर रखें इस बीच में, ताकि आपको इसकी सारी जानकारी बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से, मैं कोई जानकारी ऐसी नहीं दे रहा हूँ जो भारत सरकार की वेबसाइट पर अवेलेबल नहीं है। जैसे ये बता रहे हैं, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ प्रेस रिलीज भारत सरकार की, बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ द रिटर्न पार्ट ऑफ सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2019 हेल्ड बाई द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इन सेप्टेम्बर 29 एंड द इंटरव्यूज फॉर पर्सनैलिटी टेस्ट फॉलोइंग इज द ऑर्डर ऑफ मेरिट फॉर IAS, IFS, IPS एंड सेंट्रल सर्विस ग्रुप ए एंड बी ऑफिसर्स। अब इसका पॉइंट टू है, ए टोटल नंबर ऑफ 829 कैंडिडेट्स हैव बीन रिकमेंडेड फॉर अपॉइंटमेंट्स एज पर फॉलोइंग ब्रेकअप्स। अब ये 829 लोगों की लिस्ट उन्होंने जारी कर दी कि आप 829 अफसरों की नियुक्ति कर लीजिए। इसमें 304 अफसर जनरल कैटेगरी के हैं, EWS के 78 अफसर हैं, OBC के 251, शेड्यूल्ड कास्ट के 129 और ST के 67। मुझे उम्मीद है कि आप सारे लोगों ने भारत सरकार की वेबसाइट इस समय खोल रखी होगी, UPSC या PIB या कहीं पर भी भारत सरकार की वेबसाइट से मेरे ख्याल से आप इस समय रिजल्ट देख रहे होंगे, और मैं जो कह रहा हूँ वो ऑथेंटिक है, इसके बारे में आप देख सकते हैं, कोई भी इस टैग को खोल सकता है, खोल के देख सकता है, मतलब कुछ भी ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ जो कि भारत सरकार नहीं बोल रही है। तो अगर 927 अफसरों की नियुक्ति होनी है और 829 का रिजल्ट दिया गया है, तो बाकी क्या हुआ, बाकी अफसरों की लिस्ट कहाँ है, मतलब ये टुल मिलाकर डेफिसिट जो है वो 927 में से आप घटा दीजिए 829, तो टोटल 927 में से 829 घटाएंगे तो 98 अफसर्स फिर कहाँ गए, ये कहाँ पर है। अब इसके बारे में एक क्लैरिफिकेशन UPSC दे रहा है, इस क्लैरिफिकेशन को आप फिर भारत सरकार की वेबसाइट में आपको दिखा रहा हूँ, इसमें क्या लिखा हुआ है, इन अकॉर्डेंस विद रूल 16(4) एंड 5 ऑफ द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन रूल 2019 द कमीशन इज मेंटेनिंग ए कंसोलिडेटेड रिजर्व लिस्ट ऑफ कैंडिडेट एज अंडर जनरल 19, EWS 9, OBC 71, SC 8, ST 7, टोटल 182 कैंडिडेट की इन्होंने एक रिजर्व लिस्ट जारी कर दी है। टोटल रिजल्ट ये नहीं दे रहे हैं, एक साथ ये सारा रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, ये टोटल 182 लोगों का रिजल्ट इन्होंने रोक रखा है। यहीं पर दरअसल पेंच है, यहीं पर बहुत बड़ा एक खेल हुआ है। खेल ये है दरअसल दोस्तों कि ये जो 91 ऑफिसर्स हैं, ये बाद में जो नियुक्त किए जाएंगे, ये कौन लोग होंगे। दरअसल ये 91 ऑफिसर्स जनरल कैटेगरी, जनरल में भी अपर कास्ट से ये 91 ऑफिसर्स दरअसल नियुक्त कर लिए जाएंगे, और इस तरह से आपका इस रिजर्वेशन का पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है, इसका उल्लंघन हो जाएगा। ये हुआ क्या है, ओबीसी में 71 की रिजर्व लिस्ट क्या कहती है, क्यों ओबीसी के 71 कैंडिडेट रिजर्व लिस्ट में है। आर्य अभिषेक कह रहे हैं कि फिर से बता दो भाई, मैं पूरा करने के बाद एक बार संक्षेप में एक बार रैपअप फिर से दूंगा, तो जो लोग बीच में जुड़े हैं वो एक बार इसको फिर से सुन ले सकते हैं। मैं आपको ये डिटेलिंग अभी दे रहा हूं, जिन लोगों ने शुरू से देखा है और भारत सरकार की वेबसाइट वो खोल के बैठे हुए हैं, तो उनको मैं उनका समय मैं खराब नहीं करना चाहता हूं। दरअसल हुआ ये है कि ये जो कैंडिडेट हैं ओबीसी के 71, शेड्यूल्ड कास्ट के 8 और सिविल ट्राइब के 3 और EWS के 9, ये वो कैंडिडेट हैं जो जनरल मेरिट लिस्ट में आ गए हैं। अब चूंकि ये जनरल मेरिट लिस्ट में आ गए हैं और इनको बाहर रखना है, इनको अगर ऑलरेडी ये 91 कैंडिडेट को अगर ये कैंडिडेट को एडजस्ट कर लेते हैं जनरल मेरिट में, तो जनरल कैंडिडेट की संख्या दरअसल घट जाएगी और जो जनरल कैंडिडेट जो अनरिजर्व कैटेगरी है वो सिर्फ 40% रह जाएगी। तो मैं अगर सिविल सर्विस में टॉपर भी हूं तो भी मुझे ये ओबीसी कैटेगरी में प्लेस करना चाहते हैं। इस मतलब ये हुआ कि ये जो कैंडिडेट्स हैं, ये कैंडिडेट्स अगर जनरल कैटेगरी में जाकर अपना स्थान लेते हैं तो जनरल कैटेगरी छोटी हो जाएगी। सिर्फ ये कोशिश इनकी ये है कि जो जनरल कैटेगरी है, जो जिसको कि इन्होंने दरअसल अपर कास्ट कैटेगरी बना दिया है, वो 50% से कम न हो। दरअसल ये रिवर्स रिजर्वेशन है, ये ओबीसी के कैंडिडेट 71 कैंडिडेट अगर इस समय जनरल कैटेगरी में जाकर अपनी सीट ले लें, तो वो जो अनरिजर्व कैटेगरी है वो वहां पर वो अपना स्थान ले लेंगे। दरअसल इसीलिए ये सारा षड्यंत्र रचा गया है कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब और ओबीसी के जो कैंडिडेट जनरल कैटेगरी में अपना स्थान बना ले रहे हैं मेरिट में, अब हो सकता है कि टॉपर जो प्रदीप सिंह है वो ओबीसी हो, फिर आपको जो आपको वर्मा है वो ओबीसी है, आपको ये इस तरह के बहुत कैंडिडेट टॉप में
जो ओबीसी एससी एसटी के कैंडिडेट बहुत बड़ी संख्या में आजकल चुन के आ रहे हैं, उनको किसी तरीके से इनको अपनी कैटेगरी के अंदर पुश कर देना है। तो ये जो भारत सरकार कह रही है कि आर्टिकल रूल 16(4) और 16(5) ऑफ सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, वो ये कह रहा है कि आप अगर अपनी कैटेगरी में रहेंगे तो आपको अब ये जो कैटेगरी के बाद इनको अपना जो सर्विस चुनना है, यहां पर वो कह रहे हैं कि अगर आपको आईएएस बनना है तो आप अपनी कैटेगरी के अंदर रहिए ताकि आपकी मेरिट लिस्ट ऊपर रहे। जैसे एक कैंडिडेट हो सकता है कि ओबीसी कैटेगरी में उसका जो रैंक है वो ओबीसी रैंक जो है वो 20 हो, लेकिन वो अगर जनरल लिस्ट में जाएगा तो उसकी रैंक हो सकता है कि 225 हो, तो 225 के साथ उसको आईएएस नहीं मिलेगा। तो सरकार ये कह रही है कि आप अपनी कैटेगरी के अंदर रहिए तब हम आपको आपकी पसंद की सर्विस देंगे। तो ये जो खेल है कि आपको अपनी अपनी सर्विस पसंद की चाहिए तो आप अपनी कैटेगरी में जाइए, और अपनी कैटेगरी में जाते ही वो जगह जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी का एक कैंडिडेट जाकर ले लेता है। तो इस तरह से ओबीसी एससी और एसटी के कैंडिडेट के साथ बहुत बड़ी हकमारी हो रही है, बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। और एक आईएएस अफसर की आप कीमत समझते हैं, वो अपनी दूसरी सर्विस में कलेक्टर बन जाता है और वो करोड़ों रुपए का बजट और हजारों नौकरियां इधर से उधर करने की हैसियत में पहुंच जाता है। तो एक एक पोजीशन जहां इतनी महत्वपूर्ण है, वहां 71 पोजीशन ओबीसी की, 8 पोजीशन शेड्यूल कास्ट की और शेड्यूल ट्राइब की 3 पोजीशन। मुझे लग रहा है कि आप इस सारे ये सारे नंबर भारत सरकार की वेबसाइट पर इस समय देख पा रहे होंगे, कृपया उसको आप देखिए, सिविल सर्विस रिजल्ट इस बार का देखिए। तो ये कैंडिडेट को किसी तरह से कोशिश है कि अपनी कैटेगरी के अंदर रहो ताकि आप जो जनरल मेरिट है वहां पर आप अपनी अपना स्थान न लें, इसकी पूरी कोशिश है। और इस वजह से ये इतना बड़ा षड्यंत्र भारत में हो रहा है, इतने पढ़े लिखे लोगों के साथ। सिविल सर्विस में जो जा रहे हैं वो जाहिर है कि बहुत पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, वो जो कोचिंग कर रहे होंगे वहां उनको टीचर्स बता रहे होंगे कि ये क्या हो रहा है। तो ये हर साल अगर भारत सरकार इस तरह से लगातार ओबीसी और एससी और एसटी के कैंडिडेट्स को कहेगी कि आपको अच्छी सर्विस चाहिए तो अपनी कैटेगरी में जाइए, तो ये कितना बड़ा एक अन्याय हो रहा है। और ऐसे अन्याय को दरअसल छिपाने के लिए ही इस तरह के भावनात्मक मुद्दे उछाले जाते हैं। मंदिर का मुद्दा होगा, कभी आपको कुछ भी अनाप शनाप गाय का मुद्दा होगा, जिससे आपकी नौकरी का कोई लेना देना नहीं है, जिससे आपके रोजगार का कोई लेना देना नहीं, आपके करियर का कोई लेना देना नहीं। इस तरह के मुद्दों को दबाए रखने के लिए दरअसल इस तरह के सवाल उठते हैं। और इसके पीछे इस तरह का जब भी कोई मुद्दा उठे, आप गौर से देखिए और क्या हो रहा होगा। जब ऐसा ही कोई मुद्दा उठेगा तो अचानक से रेलवे का निजीकरण कभी हो जाएगा, अचानक ऐसा ही कोई मुद्दा होगा उसमें लेटरल एंट्री से 400 नियुक्तियां कर दी जाएंगी जिसमें कोई रिजर्वेशन नहीं होगा, कोई मेरिट भी नहीं होगा, मनमाने तरीके से आपको आपको उस तरह से मतलब आपके सवालों को पीछे कर दिया जा रहा है। कुल मिलाकर ये षड्यंत्र ही है। और मेरे ख्याल से आप लोग इस रिजल्ट को बहुत गौर से पढ़िए कि क्यों 927 का विज्ञापन आता है और रिजल्ट 829 का क्यों दिया जाता है। आप किसी से भी जाकर पूछिए, कि सिविल सर्विस की परीक्षा देने वाले किसी भी कैंडिडेट से पूछिए कि भाई आपने जब परीक्षा दी थी तब 927 का विज्ञापन आया और आपका रिजल्ट 829 का क्यों आया, और ये 182 लोगों का रिजल्ट रोक क्यों लिया गया, और सरकार ये क्यों नहीं बताती है कि 182 लोग कौन है, इसके इसका भी रिजल्ट दे दें ताकि हमें पता चले कि आखिर कौन फाइनल लिस्ट में आ रहा है, फाइनल लिस्ट में किस तरह से लोग आ रहे हैं। एक एक ऑफिसर की जहां पर इतनी बड़ी हैसियत है, इतनी बड़ी औकात है, वहां पर अगर इस साल जैसे 71 ओबीसी एससी के 8 और एसटी के 3, मतलब 71 और 11, 82 आईएएस आईपीएस और आईएफएस ऑफिसर और क्लास 1 के ऑफिसर नहीं बन पाए हैं, ये कितना बड़ा अन्याय है आप समझ सकते हैं। मतलब एक आईएएस ऑफिसर्स की क्या ताकत होती है इसको, इससे आप नहीं समझ रहे होंगे, ऐसा नहीं है। तो ये मेरिट के नाम पर एक बहुत बड़ा षड्यंत्र हो रहा है। मेरिट में जो एस सी एस टी ओबीसी कैंडिडेट चुन के आ रहे हैं उनको किसी तरह से पुश कर दिया जा रहा है कि आप जाइए, आप अपने कैटेगरी में जाइए तब हम आपको अच्छी सर्विस देंगे। क्यों आप ऐसा क्यों नहीं कहते हैं कि सारी सारी जो एस सी एस टी ओबीसी के कैंडिडेट हैं, जनरल मेरिट है, ईडब्ल्यूएस है, उसके हिसाब से आप आईएएस आईपीएस आईएफएस की पहली लिस्ट क्यों नहीं बना दे रहे हैं। आपकी कोशिश ये क्यों है कि वो अपनी कैटेगरी में जाए ताकि अपनी कैटेगरी की सीट ले और जो ओपन कैटेगरी है उसमें अपनी सीट न ले, ये इतना बड़ा षड्यंत्र हो रहा है दरअसल। अब ये है कि आप इस ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं। देखिए, आपको आपको सबसे पहले तो आपको इन षड्यंत्रों को समझना पड़ेगा। ये षड्यंत्र काल है, सीधे सीधे कोई लड़ाई नहीं होगी, आपको सीधे सीधे कोई नहीं कहेगा कि आपका रिजर्वेशन खत्म किया जा रहा है, ये कहने की आज की तारीख में किसी की हिम्मत नहीं है।
जो रिजर्वेशन खत्म कर रहा होगा वो कहेगा कि मेरी लाश पर ही रिजर्वेशन खत्म किया जा सकता है। जो लेटरल एंट्री के जरिए हर साल बड़ी संख्या में बगैर रिजर्वेशन के नौकरियां दे रहा है, वही आदमी ये कह रहा है कि मेरी डेड बॉडी पर ही आप रिजर्वेशन खत्म कर सकते हैं और रिजर्वेशन और संविधान के लिए तो मैं अपनी जान दे दूंगा। तो ये इस तरह से आपको षड्यंत्रों के जरिए ही आपसे निपटा जा सकता है। भारत की 85% आबादी को सीधे लड़ाई में कोई हरा नहीं सकता है, उनकी हार होनी है तो षड्यंत्रों के जरिए होनी है, आपके अपने ही लोगों को उस षड्यंत्र में हिस्सेदार बनाकर होना है, SC ST OBC के ही कुछ नेताओं को लालच देकर अपने साथ रखकर ये षड्यंत्र होना है। पहला हमारा दायित्व ये है कि इस तरह के षड्यंत्रों को समझें, रिजल्ट का हमेशा अच्छे से अध्ययन कीजिए कि हुआ क्या है, विज्ञापन को गौर से पढ़िए कि क्या हुआ है, कितने का विज्ञापन है, कितने रिजर्वेशन है, हो क्या रहा है। इस चीज को बहुत अच्छे से समझने के बाद ही आपको समझ में आएगा कि क्यों विज्ञापन 927 का आता है, क्यों रिजल्ट 829 का होता है, क्यों एक रिजर्व लिस्ट बना दी जाती है कि बाद में इसके बारे में फैसला होगा, और बाद में क्या फैसला होता है इसकी कभी घोषणा नहीं होती है, ये चुपके से होता है। ये जो आपको 182 लोगों की लिस्ट है जिसमें से 91 जनरल, EWS 9, OBC 71, SC 8 और ST 3 है, इसका अगर आप रिजल्ट इस समय RTI से मांगने जाएं कि इनका रिजल्ट दीजिए तो आपको RTI का तो 15 दिन के अंदर में आपका नतीजा आ जाएगा। आप RTI डाल के देखिए, UPSC में डालिए और DOPT में डालिए कि भाई हम ये जो आप जिनके रिजल्ट नहीं दे रहे हैं उसके आप हमको उसके बारे में उनका ब्यौरा दीजिए, उनका नाम बताइए, तो आपको ये ब्यौरा कतई नहीं दिया जाएगा, इसको हमेशा कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा। वो कहेंगे कि रिजल्ट की जो प्रक्रिया है वो कॉन्फिडेंशियल है, सिर्फ रिजल्ट जो है वो RTI के दायरे में है। तो रिजल्ट अगर आप नहीं बताएंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि आप ये 98 लोग कैसे नियुक्त कर रहे हैं। तो ये इतना बड़ा षड्यंत्र इस देश के सबसे पढ़े लिखे लोगों के साथ हो रहा है और इसके बारे में हमारी जागृति की जो कमी है, मेरे ख्याल से ये बहुत गंभीर चिंता का विषय है। और आप PL मीना कह रहे हैं घंटा बजाने में कुछ और मजा है, राकेश वर्मा कह रहे हैं कि बड़े आंदोलन की जरूरत है क्योंकि सरकार कभी निजीकरण तो कभी लेटरल एंट्री के जरिए आरक्षण खत्म कर रही है। नहीं, ये सारी चिंताएं वाजिब है दोस्तों, ये ऐसा नहीं है कि इसमें हमें नहीं मालूम कि ये हो रहा है। हमें हम में से किस इवन आप मैट्रिक पास एक बच्चे से पूछिए कि लेटरल एंट्री में अगर नियुक्ति होगी तो आपका रिजर्वेशन कहाँ जाएगा, आप क्लेम ही नहीं कर सकते हैं, वो लेटरल एंट्री से नियुक्ति कर लेंगे, आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आपको 9 अभी लेटरल एंट्री से ज्वाइंट सेक्रेटरी भर लिए गए जो ब्यूरोक्रेसी के टॉप के पोस्ट हैं, और 9 में से आपको सारे के सारे अपर कास्ट के कैंडिडेट भर लिए गए, आप क्या कर सकते हैं। तो आप मतलब ठीक है, मतलब और सरकार कहेगी कि आरक्षण पर कोई हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, मोदी जी घोषणा करेंगे कि मेरे जीते जी कोई आरक्षण पर हमला नहीं हो सकता है। तो ये जो सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था कि देखिए भारत सरकार रिजर्वेशन खत्म करने की कभी कोई घोषणा नहीं करेगी, हम रिजर्वेशन को इतना कमजोर कर देंगे कि रिजर्वेशन बाद में कोई मांगेगा ही नहीं, मेरे ख्याल से यही रणनीति है, यही स्ट्रेटजी इस समय भारत सरकार अपना रही है। जैसे कि आपको पहले एक तो सिविल सर्विस में ऑफिसर्स की संख्या कम कर दी गई, लगातार 1200 के आसपास अफसर नियुक्त होते थे, इस साल 900 अफसर नियुक्त हो रहे हैं। तो ये सारा षड्यंत्र हो रहा है और इसको लेकर मुझे लगता है कि बहुत जागृति की जरूरत है। सबसे पहले देखिए लोकतंत्र है, अगर हम जागृत हैं और अपने लोगों को, पढ़े लिखे लोग हैं तो जाहिर है गांव तक के लोगों को हम उनको जागृत कर सकते हैं, ये क्षमता हमारे अंदर है, हम में से एक एक आदमी हजार हजार लोगों तक सोशल मीडिया के जरिए पहुंचने की क्षमता रखता है। तो ये जो अब पल्लव तिवारी कह रहे हैं क्यों चूतिया बना रहे हो सबको, मतलब ठीक है, आप अगर लग रहा है आप खुद भारत सरकार का रिजल्ट देख के मुझे समझाइए कि क्यों 927 का विज्ञापन आया था और क्यों 829 का रिजल्ट आया था। तिवारी जी, मैं मान लूंगा कि आपकी बात सही है, कि मैं बेवकूफ बना रहा हूं, आप समझदार बनाइए ना, आप इसी में कमेंट में बताइए उसका कारण क्या है। तो ये ठीक है कि आपके अपने हित हैं, सीधे सीधे बोलिए कि हमारे तिवारी जी का अपना हित है और इसलिए वो अपनी पोजीशन ले रहे हैं। जैसे बाबा साहब ने कहा था कि भाई आप अपने अपने सामुदायिक हितों से गाइड होते हैं, तो जिन समुदाय का हित आरक्षण को कमजोर करने में है, उनका वो अगर आरक्षण को कमजोर कर रहे हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप ठीक है, लेकिन आपकी पोजीशन कोई न्याय की पोजीशन नहीं है। न्याय की पोजीशन यही है कि 927 का अगर विज्ञापन आया है तो 927 का रिजल्ट भारत सरकार को देना चाहिए, 829 का रिजल्ट भारत सरकार क्यों दे रही है, इसी प्रश्न को सबसे पहले पूछा जाना चाहिए। और इसको लेकर देखिए, अगर आप बात करेंगे तो ये मत कहिए कि नेता क्यों नहीं बोल रहा है,
नेता दरअसल आपकी तरफ देख रहे हैं कि अगर आप में पर्याप्त उसको लेकर अवेयरनेस है तो आपके साथ खड़े हो जाएंगे। उससे पहले आप उम्मीद करेंगे कि कोई पॉलिटिकल पार्टी खड़ी हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। पढ़े लिखे लोगों का सवाल है, बिल्कुल प्रबुद्ध लोगों का मुद्दा है, कोई भावनात्मक मुद्दा नहीं है। बहुत गौर से अपने दोस्तों के साथ बैठकर भारत सरकार की साइट पर जाकर रिजल्ट देखिए, अध्ययन कीजिए कि हो क्या रहा है, क्यों जितने का विज्ञापन आता है उतने का रिजल्ट क्यों नहीं आता है, एक रिजल्ट लिस्ट गुपचुप तरीके से जो अनाउंस नहीं होती वो क्यों जारी हो जाती है, और उसमें फिर उसमें बाद में किसको नियुक्त कर लिया जाता है, भारत सरकार ये लिस्ट कभी जारी नहीं करती है। तो ये जो षड्यंत्र है इसको समझने की जरूरत है, ये यूपीएससी स्कैम है। और मुझे लगता है कि आप सारे लोग, अगर नहीं आपने इसको शेयर कर लिया है तो इस वीडियो को बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, तो मैं एक बार इस पूरे मामले को रैपअप कर देता हूं। इससे पहले मैं आप सारे लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि एक बार प्लीज शेयर बटन एक बार दबा दीजिए ताकि ये वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। प्लीज एक बार आप शेयर का बटन दबा लें। पूरे मामले को मैं 5 मिनट में फिर से रैपअप कर दूंगा कि ये पूरा मामला यूपीएससी स्कैम है क्या। एक बार आप शेयर बटन दबा लें तो उम्मीद है कि आपने शेयर बटन दबा दिया होगा। मैं शुरू से शुरू कर रहा हूं, ठीक 5 मिनट के लिए मैं इसको मैं रैपअप करूंगा। शेयर बटन दबाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। कुछ नए और दोस्त जो यंग हैं, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एटलीस्ट वो लोग इसको देख सकें, क्योंकि उनका करियर है 5 5 साल 6 6 साल लोग तैयारी करते हैं और आखिरकार जब सरकार रिजल्ट देती है तो इतना बड़ा घोटाला कर देती है। देखिए हुआ क्या है, इस साल मतलब अभी जो रिजल्ट आया है, 4 अगस्त को भारत सरकार ने रिजल्ट जारी किया है 12:56 पर। ये रिजल्ट जो है ये 2019 में हुई परीक्षा का है, और ये परीक्षा जब विज्ञापन इसका आया था तो टोटल 927 पद के लिए ये विज्ञापन आया था। 927 ऑफिसर्स सेंट्रल सिविल सर्विस में नियुक्त होने थे। इसमें आईएएस के 180 पद, आईएफएस के 24 पद, मतलब इंडियन फॉरेन सर्विस के 24 पद, इंडियन पुलिस सर्विस के 150 पद, सेंट्रल सर्विस ग्रुप ए के 438 पद और ग्रुप बी सर्विस के 135 पद, मतलब कुल मिलाकर 927 पोस्ट के लिए टोटल वैकेंसीज निकली थी। इसमें से जनरल कैटेगरी के लिए 397, ईडब्ल्यूएस के 83, ओबीसी के लिए 251, एससी के लिए 129, एसटी के लिए 67, ये टोटल वैकेंसीज निकली थी। विज्ञापन आप देख सकते हैं, कोई भी आदमी जा चाहे तो इसका विज्ञापन देख सकता है। अब लेकिन जब रिजल्ट आता है तो हम सारे लोग चौंक गए कि 927 का जो विज्ञापन आया था इसकी जगह भारत सरकार ने सिर्फ 829 लोगों का रिजल्ट क्यों दिया, बाकी लोग कहाँ गए, 98 पोस्ट का रिजल्ट क्यों नहीं आया। तो ये जो 829 लोगों का रिजल्ट आया इसमें से 304 लोग जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस 78, ओबीसी 251, शेड्यूल्ड कास्ट 129 और शेड्यूल्ड ट्राइब 67, ये टोटल रिजल्ट आया। आप सारे लोग अभी भारत सरकार की साइट पर जाकर ये रिजल्ट देख सकते हैं। इसके साथ सरकार ने जो प्रेस रिलीज जारी की उसमें यह भी बताया कि इन अकॉर्डेंस विथ रूल 16(4) और 16(5) ऑफ द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन रूल्स 2019, द कमीशन इज मेंटेनिंग ए कंसोलिडेटेड रिजर्व लिस्ट ऑफ कैंडिडेट एज अंडर जनरल कैटेगरी 91, ईडब्ल्यूएस 9, ओबीसी 71, एससी 8, एसटी 3 एंड टोटल 182। तो 829 का रिजल्ट जारी किया गया और 182 कैंडिडेट की एक रिजर्व लिस्ट रख ली गई जो भारत सरकार जिसके बारे में लोगों को नहीं बता रही है। इसमें से ओबीसी सबसे ज्यादा है 71। ये लिस्ट क्या है, ये जो हमने जब भारत सरकार से पता किया, और आप सारे लोग भी पता कर सकते हैं किसी भी अफसर से जो भारत सरकार ने, उससे पूछिए। तो दरअसल हुआ क्या है कि ओबीसी के 71 कैंडिडेट जनरल मेरिट में आ गए हैं, इसी तरह शेड्यूल कास्ट के 8 कैंडिडेट जो हैं वो जनरल मेरिट में आ गए हैं और शेड्यूल ट्राइब के 3 कैंडिडेट जनरल मेरिट में आ गए हैं। अब भारत सरकार चाहती है कि इन सारे लोगों को इनकी कैटेगरी में रखा जाए और जनरल मेरिट में इनको न जाने दिया जाए, क्योंकि ये सारे लोग अगर जनरल मेरिट में चले जाएंगे तो जनरल मेरिट से सिर्फ 304 अफसर चुने जाएंगे और चुने जाएंगे। तो ये कुल मिलाकर कोशिश ये है कि ये सारे लोग अपने अपनी कैटेगरी के अंदर पैक हो जाएं और जनरल मेरिट जो ओपन लिस्ट है उसके अंदर न जाएं। इसीलिए भारत सरकार ने 182 कैंडिडेट की एक रिजर्व लिस्ट जारी की और इसमें ओबीसी एससी एसटी के कैंडिडेट्स को इसमें डाल दिया है।
और इसको इस लिस्ट को पब्लिक नहीं किया गया। अगर आप चाहें कि इसके बारे में आरटीआई जानकारी ले लें तो मैं चैलेंज करता हूं आप में से कोई भी आदमी आरटीआई अभी डाल ले, 10 रुपये लगते हैं, ज्यादातर जगह तो फ्री भी आरटीआई आजकल जाने लगा है ऑनलाइन। इसमें से कोई भी आपको आरटीआई से ये जानकारी नहीं मिलेगी कि ये 91 लोग और ओबीसी के 71 लोग कौन है जिनका कि आप लिस्ट नहीं जारी कर रहे हैं। दरअसल भारत सरकार की मंशा ये है कि ये सारे लोग अपनी लिस्ट अपनी कैटेगरी के अंदर ही कोटा लें और जनरल मेरिट लिस्ट में न जाएं। इनको लालच क्या दिया जा रहा है कि अगर आप ओबीसी हैं और अगर आप अपनी कैटेगरी के अंदर रहेंगे तो आपको अच्छी सर्विस मिलेगी, आपको आईएएस मिलेगी। जैसे कि मैं बताऊं कि ओबीसी की जो एक लिस्ट अगर बनेगी अलग से मेरिट में, तो उसमें ओबीसी कैटेगरी में अगर 10वीं मेरिट लिस्ट में कोई होगा तो वो जनरल कैटेगरी की मेरिट में हो सकता है कि 200वें नंबर पे हो। अब उसको कहा जाएगा कि अगर आप ओबीसी मेरिट लिस्ट को क्लेम करोगे तो आप आईएएस बन जाओगे, लेकिन अगर आप जनरल मेरिट लिस्ट में रह जाओगे तो हो सकता है कि आपको आईएएस आईपीएस आईएफएस नहीं मिलेगा। तो ये जो षड्यंत्र है इसके जरिए कोशिश ये हो रही है कि ओबीसी एससी एसटी के लोग अपनी कैटेगरी के अंदर फिक्स हो जाएं और वो जनरल मेरिट को में क्लेम न करें। इसका मतलब ये हुआ कि जनरल मेरिट में 50% लोगों को रिजर्वेशन दे दिया गया है अपर कास्ट को, उसके अंदर एससी एसटी ओबीसी के कोई आदमी एंटर नहीं कर सकता है, क्योंकि उनको कहा जाएगा अगर आप यहां एंटर करेंगे तो आपको आपकी पसंद की सर्विस नहीं मिलेगी। और इस तरह से सरकार ने कुल मिलाकर एससी एसटी ओबीसी के 82 ऑफिसर्स को इस साल आईएएस बनने से, आईपीएस बनने से और आईएफएस बनने से रोक दिया है। 82 अफसर बहुत बड़ी संख्या होती है, एक कलेक्टर आप समझ सकते हैं जो एक आदमी 5 साल में कलेक्टर बन जाता है। ये लोग कितनी बड़ी ताकत रखता है, एक कलेक्टर एक जिले का में कितनी बड़ी ताकत रखता है, ये आप में से किसी को बताने की जरूरत नहीं। भारत का हर आदमी जानता है कि कलेक्टर किस तरह से जिले का मालिक होता है, करोड़ों का बजट होता है, कई हजार नियुक्तियां करता है, कई ठेके देता है, इतना पावरफुल पोजीशन है। और इतनी पावरफुल पोजीशन के 82 एससी एसटी ओबीसी पोजीशंस हैज बीन रॉब्ड बाय गवर्नमेंट एंड हैज बीन गिवन टू जनरल कैटेगरी बाय दिस कॉन्स्पिरेसी। I am saying this conspiracy because this is a big scam and that is happening with some or other rules which should be challenged in the court. I don't know whether that will be challenged or not and what how the court will respond. But still, आप अगर इसको आप देखें तो मतलब ये अगर ऐसा मामला है जिस पर कम से कम बात होनी चाहिए, और अगर संविधान में रिजर्वेशन का प्रावधान है तो आपको उसको लागू करना चाहिए, क्योंकि भारत सरकार के का हर अधिकारी जो है, हर मंत्री और भारत सरकार का प्रधानमंत्री जो है उसने संविधान की शपथ ली है, और संविधान के अंदर यूपीएससी का जो एक्ट है वो संविधान से बना है, सिर्फ संविधान के अंदर एक संविधानिक संस्था है। तो एक संविधानिक संस्था अगर आरक्षण का उल्लंघन कर रही है तो ये बहुत बड़ी समस्या है, गंभीर समस्या है। मुझे लगता है कि इसको लेकर आपको बात करनी चाहिए। आप सारे लोग भारत सरकार की वेबसाइट पर जाकर इस रिजल्ट को देखें, इसका अध्ययन करें, वकीलों से बात करें, छात्रों से बात करें, कैंडिडेट से बात करें। अमित प्रसाद, ये कहने कोई मतलब नहीं कि एससी एसटी ओबीसी के लोग घंटा बजाने में लगे हुए हैं। जो लोग घंटा बजा रहे हैं वही लोग दरअसल इस देश में बड़ा बदलाव भी करते हैं। हो सकता है कि आज वो घंटा बजा रहे हों, लेकिन जो घंटा बजा रहा है वो जिंदगी भर घंटा बजाएगा ये मानने के लिए मेरे पास कम से कम कोई कारण नहीं है। इन्हीं लोगों ने इस देश में मंडल कमीशन भी लागू कराया है, रिजर्वेशन भी लागू कराया है और एससी एसटी एक्ट भी बचाया है। तो घंटा ठीक है बजा रहे हैं, लेकिन घंटा हमेशा बजाते रहेंगे ऐसा भी नहीं है, मतलब कि वो मतलब घंटा बजाने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। तो अपने हक और अधिकार के लिए और नौकरी का जब मामला आएगा तो निश्चित रूप से कई तरह के हमले हो रहे हैं। आप सही कह रहे हैं प्रवीण कुशवाहा जी, आपका आपका आपकी टिप्पणी भी देख रहा हूँ। राजीव मिश्रा, इस तरह के गाली गलौज आपके संस्कार बता रहे हैं, आपने क्या ट्रेनिंग ली है संस्कृत में पता नहीं। आरक्षण विरोधी सरकार, आशीष कुमार यादव, देखिए इस बीच में लेटरल एंट्री के जरिए ओबीसी में क्रिमिलेयर किस जो के जो नियम है उसको बदल के सारे नौकरी पेशा ओबीसी के लोगों के बच्चों को आरक्षण से बाहर करने का षड्यंत्र है। निजीकरण के जरिए रेलवे और बैंक में बहुत बड़े पैमाने पर एससी एसटी ओबीसी का रिजर्वेशन खत्म करने की कोशिश है। तो इतने सारे षड्यंत्र दरअसल एक साथ हो रहे हैं, ये कुल मिलाकर, और हमें यहाँ फंसा दिया गया कि बस आप बचा लो जो है, आप आगे के लिए तो मांग करना इसे भूल ही जाओ, आप बचा लो बस जो दिया गया उसको। हम लगातार कभी इधर मारेंगे कभी उधर मारेंगे, मतलब इतनी जगह से दर्द उठेगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ पर आपको ऑइंटमेंट और मलहम लगाना है। तो ये इतने तरफ से ये षड्यंत्र हो रहा है, मुझे मालूम है इसके बावजूद कि आप प्रबुद्ध लोग हैं, समझदार लोग हैं और आप समझते हैं कि ये पावर जो है वो ब्यूरोक्रेसी की क्या है। तो इस बारे में निश्चित रूप से हम लोगों को बात करनी चाहिए।
पॉलिटिशियंस को चिट्ठी लिखे हैं, ये रिजल्ट का जो भारत सरकार की वेबसाइट से इस रिजल्ट को निकाल कर इसको भेजें लोगों को, और इस बारे में आप में जागृति निश्चित रूप से है, तभी आपने 1,000 से ज़्यादा लोग एक समय इस वीडियो को देख रहे हैं, तो जाहिर है कई लाख लोग फाइनली इस वीडियो को देखेंगे। तो ये सारा ये मामला मेरे ख्याल से बड़ा मामला होने वाला है, और इसको लेकर आप लोग ट्विटर पर भी यूपीएससी स्कैम नाम से एक ट्रेंड अब से थोड़ी देर में चलेगा, आप ट्विटर पर भी आएँ और वहाँ पर भी इसको चलाएं। SC ST OBC के लिए जीवन मरण का प्रश्न है, और इसको आप गंभीरता से लेंगे, इस उम्मीद के साथ आप सबसे मैं विदा चाहता हूँ। जय भीम, जय फूले, जय माता।